हेलो, गुड मॉर्निंग। और रात को 10 बजे तक पढ़ कर गए थे, सुबह फिर आ गए 9 बजे पढ़ने। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। हाँ, मॉर्निंग, मैं अपने आप को तो सुन सकती क्या आप हूँ। मुझे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। बाकी बच्चे सो रहे हैं? लाओ बुला ले उनको टेलीग्राम से। भाई लोग, क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ। आज आखिरी क्लास है, एनिमल टिश्यू खत्म करेंगे। जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट। लाओ एक बार भेज दें सारे ग्रुप्स में। मैं समझती हूँ ज़्यादा लंबे सेशंस के बाद तुम्हारा मन नहीं करता है ना सुबह सुबह पढ़ने का, बट कोई बात नहीं बेटा, क्या करें, नीट की तैयारी करनी है ना, तो करनी पड़ेगी, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। इसके बाद एनिमल किंगडम। भाई पहले ये पढ़ लें एक बार, रुक जाओ रुक जाओ, पहले आज ये कंप्लीट कर लें। भगवान की दया से यदि एनिमल टिश्यू खत्म हो गया तो फिर पोल करा लेंगे क्या पढ़ा जाए। ठीक है, पहले क्या पढ़ा जाए, वी विल डू अ पोल। मेरा नाम रितु रतेवाल है और आप मेरे साथ क्रैश कोर्स कर रहे हैं 2021 के नीट के लिए। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और आज हम एनिमल टिश्यू भगवान की दया से खत्म कर देंगे। आप लोग ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ बोन और कार्टिलेज बचा है, मस्कुलर टिश्यू बहुत छोटू सा है, नर्वस टिश्यू बहुत छोटू सा है। सो आज खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे टेस्ट, जैसे कल हमने पूरा होल सिलेबस का टेस्ट लिया था, 180 क्वेश्चंस का, उसका PDF वगैरह आपको ऑफकोर्स चाहिए ही होता है बच्चों को, तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऐप होता है, उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे @PerfectionEat चैनल का नाम, तो आपको PDF मिल जाएगी। @RituRatewal लिखेंगे तो मेरे चैनल पे आ जाएंगे आप, वहाँ पे भी आपको PDF ये मिल जाएगी। यदि आप हमारी टीम के साथ, PerfectionEat की टीम के साथ 2021 या 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। नीट UG के सेक्शन पर जाइए, प्लस के सेक्शन पर जाइए और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। आपको देखना है आपको कितने समय का प्लान लेना है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, और आपको उसके बाद यूज करना है द इम्पॉर्टेंट कोड, द फेमस कोड रितु। फेमस तो मेरे दिमाग में ही है, पता नहीं एक्चुअल में फेमस है कि नहीं है, जो कि आपको 10% ऑफ देगा और आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे। RITU कोड का आपने ध्यान रखना है, RITU रितु, ओके, टू गिव यू अ 10% ऑफ। चलिए चलते हैं। सो हमारी बात कल हो रही थी, व्हाट यू नो ऑलरेडी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, ये बात कल पढ़ लिया था। क्यों बोल रही हूँ मैं वापस से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ना नीट में वाली बात, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, विच इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजन ऑफ दिस टिश्यू, मीजोडर्मल इन ओरिजन, ये वाली बात हो गई थी। देन इसका हमने तीन प्रकार में डिवीजन किया था, यदि किसी को याद है तो। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में दो ढीले ढीले टिश्यूज थे। लूज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जिसमें फाइबर्स दूर दूर हों, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। इसमें हमने पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इनकी हमने फोटो में भी देखी थी कल NCERT वाली, ताकि हमें पहचानने को आ जाए, तो हमें समझ में, पहचान में आ जाए कि अच्छा ये एडिपोस है, ये एरियोलर है, आप मार्क कर सको। यदि सेल्स मार्क करने के लिए आ जाए तो वो भी अब तुम कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि मुझे लगता है कर सकते हो और ना कर पाओ। फिर हमने बात किया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, माने फाइबर्स बहुत पास पास हैं, डेंसली पैक्ड फाइबर्स हैं। ये हमने दो पार्ट्स किए थे इसके, रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस
इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर में आपका जो फाइबर है वो पास पास तो है ही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, रेगुलरली अलाइंड है। डेंस इरेगुलर में आपके फाइबर्स हर कहीं जा रहे हैं, डेंसली तो पैक्ड है बट दे आर गोइंग इन एवरी डायरेक्शन। दे आर डेंसली पैक्ड बट दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड। डेंस रेगुलर के आपने दो एग्जाम्पल कल किए थे और मैंने आपको फोटो बनाकर भी दिखाई थी। बोलो जय माता दी। नहीं बोलना है, आंसर बोलना है। डेंस रेगुलर में दो कौन से पड़े थे? टेंडन एंड लिगामेंट। ये बच्चों को याद है सबको? टेंडन को हमने कैसे याद किया था? एमटीबी, मसल से बोन को ज्वाइन करने वाला टेंडन है। और लिगामेंट कैसे याद किया था? बीएलबी, बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट है। ये दो जो ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों डेंस रेगुलर हैं। डेंस इरेगुलर में हमने किया था, ये करता है कवरिंग्स बनाता है, बिकॉज इसका स्ट्रेच फोर्स कहीं से भी आ सकता है तो ये कवरिंग्स बनाता है चीजों की, जैसे पेरिकार्डियम, हार्ट की कवर, पेरिओस्टियम, बोन की कवर, पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज की कवर। तो सारी कवरिंग्स जो है ये बनाता है डेंस इरेगुलर। हम बात कर रहे थे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसकी हमारी जिसपे हमारी गाड़ी अटक गई थी। मैंने कहा था मैं थक गई हूँ, अब नहीं पढ़ाऊंगी, याद आया। वी आर सपोज टू स्टडी टूडे स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपको नहीं पढ़ना है। इसमें ब्लड और लिम्फ है, ब्लड लिम्फ अपन सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। We will just talk about skeletal connective tissue. आपका skeleton दो ही तो चीजों से बना है। जिन बच्चों को लगता है कि उनका skeleton सिर्फ बोन से बना है वो नादान है। आपको पता होना चाहिए कि आपका skeleton cartilage से भी बना हुआ है। Your skeleton consists of two parts, one is bone, one is cartilage. ये चित्र आपको बिल्कुल क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू याद रखने के लिए ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस अरिका, टुडे इज माय एग्जाम मयंक कुमार। अच्छा बेटा, यहाँ क्या कर रहा है फिर? मैम इसमें कॉकरोच और अर्थवर्म नहीं होगा क्या? बेटा कॉकरोच होगा, अर्थवर्म नहीं होगा। ये तो कल भी डायग्राम बनाया था ना, वी टॉक्ड अबाउट दिस। Yesterday, we talked about this. तो पता है कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इट हैज अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तभी तो जब एपिथीलियल टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा था, एपिथीलियल एवेस्कुलर होता है ना, उसमें ब्लड नहीं पहुंचता है, तो उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर डाल देते हैं ताकि वहाँ से जो ब्लड सप्लाई है उससे न्यूट्रिशन कनेक्ट इसको एपिथेलियल टिश्यू को मिल जाए। परंतु इसका एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही गंदी होती है, ठीक है, वेरी वेरी पुअर ब्लड सप्लाई, पुअर या होती नहीं है देखना पड़ेगा भाई। कार्टिलेज लाओ एक बार नेट पे चेक कर लें, इससे पहले हम गलत डेटा दें और फिर मुझे कॉमेंट्स में देखने को मिले आता जाता कुछ नहीं है, आ जाती है पढ़ाने, तो उससे पहले मैं देख के बता देती हूँ। कार्टिलेज ब्लड सप्लाई, इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। ओह चलो बहुत बढ़िया, इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। ये बाकी बच्चे जो हैं हमारे चैनल पे 35,000 बच्चा है और लाइव है सिर्फ 300 के आसपास बच्चा, 270 कभी 300 ऐसा लाइव हो रहा है। तो मैं बाकी के कैलकुलेशन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, 35,000 में से घटा लो बाकी के 300 बच्चे। वो क्या कर रहा है? तुम लोगों को नीट नहीं देना है, तुम लोगों को लगता तुमको बहुत आता है तो हम सोएंगे घर में बैठ के। चलो आओ सुनो, नो ब्लड सप्लाई,
नो ब्लड सप्लाई। अब अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कार्टिलेज पे कैसा क्वेश्चन आता है, बोन पे कैसा क्वेश्चन आता है। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, देखो कार्टिलेज में नॉर्मल सेल्स मिलेंगे जो कि आप किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मैक्रोफेज, जैसे प्लाज्मा सेल, जैसे ईओसिनोफिल, जैसे मास्ट सेल, जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि भैया WBCs का घर है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत WBC मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू में। उसके अलावा आपके पास एक स्पेशल सेल होगा जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, ठीक है। देखो वर्ड्स, देखो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, आपको कंफ्यूज नहीं होना इन टर्म्स में, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉन्ड्रोक्लास्ट। इसी तरीके से अगर आप बोन में बात करते हैं, यहां पे एक स्पेशल सेल होगा ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट भी होता है, ऑस्टियोसाइट भी होता है, ऑस्टियोक्लास्ट भी होता है। व्हाट आर दीज? पहले के लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्लास्ट मींस टू फॉर्म, ब्लास्ट इज नॉट लाइक हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट, इट सिंपली मींस टू फॉर्म समथिंग। सो जब कार्टिलेज इमैच्योर होता है, जब कार्टिलेज इमैच्योर होता है तो उसके सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। देखो कार्टिलेज का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। कार्टिलेज में ना जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो दे फील वेरी इंपॉर्टेंट, दे फील लाइक हम यहाँ के मैनेजर्स हैं, ठीक है, हम यहाँ के यू नो सुपरवाइजर्स हैं, तो वो अपने ही मैट्रिक्स से थोड़ा दूर रहते हैं। अब इमेजिन करो कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक अ केक, है ना, केक में बादाम पड़े होते हैं, इट इज़ लाइक दैट। जो केक है वो मैट्रिक्स है, जो ब्रेड है वो मैट्रिक्स है, और जो बादाम है वो सेल्स हैं। लेकिन अब इमेजिन करो वो बादाम जो है ऐसे स्पेस, खाली स्पेस में पड़ा हुआ, एक खाली स्पेस है, उसके बीच में बादाम लटका हुआ है। कार्टिलेज कुछ ऐसा होता है, देर आर स्पेसिस, बड़ा बड़ा स्पेसिस होता है ऐसा, जिन्हें हम लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना मीन्स एनी स्पेस। उसके अंदर कार्टिलेज का सेल विश्राम करता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट उसके अंदर विश्राम करता है, ये रहा कॉन्ड्रोब्लास्ट। और एक लैक्यूना में जरूरी नहीं एक ही कॉन्ड्रोब्लास्ट हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्ड्रोब्लास्ट भी यू नो रह लेते हैं यहाँ पे। सो दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट। मैं कॉन्ड्रोब्लास्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी इमेच्योर कार्टिलेज है, इट्स एन इमेच्योर कार्टिलेज। फिर ब्लास्ट मीन्स दे आर फॉर्मिंग द कार्टिलेज। हाउ डू कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्म द कार्टिलेज? सिंपली दे रिलीज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे वो बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। मैट्रिक्स वही है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, एक स्पेशल प्रोटीन आपको मैट्रिक्स में मिल जाता है जिसे आप बोलते हो कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन की स्पेलिंग सही है, प्रोटीन जो कि नीट में नहीं आएगा पर जस्ट लाइक दैट मैंने बता दिया है। प्लस एक कार्बोहाइड्रेट यहां मिल जाता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, वो भी लिख सकते हो पर नीट में नहीं आएगा। जब और ऑफ कोर्स यहां पे फाइब्रोब्लास्ट होंगे, क्यों? क्योंकि भैया फाइबर्स तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, फाइब्रोब्लास्ट होंगे एंड दे विल रिलीज फाइबर्स, सो देयर विल बी लॉट ऑफ फाइबर्स हियर। कैन यू टेल मी वन कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स नहीं होते? आंसर लिखेंगे जरा, बताएंगे जरा, एक कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स ही नहीं होते। ओ आपस में बात करने वाले चूजों, वेरी गुड कनिष्क, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड अभिजीत पटनायक, वेरी गुड। सिर्फ तीन बच्चों को पता है, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, वेरी गुड लक्ष्मीपाल, समीक्षा, वेरी गुड आलोक। ओह 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 ओह, बाढ़ आ गई, ब्लड
ब्लड इज वन कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे आपको ना तो फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा ना फाइबर्स मिलेंगे. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आपने क्या डिफरेंस देखा यहाँ पे मेनली कि भैया जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो एक एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक अपने स्पेस में बैठे हुए हैं जिनको लैक्यूना कहते हैं. नाउ अब जब ये कार्टिलेज प्रॉपर शेप में आ गई है, ये मैच्योर होगी कार्टिलेज, तो इसके सेल्स भी मैच्योर हो जाएंगे. तो जब मैच्योर सेल्स हो जाते हैं तो उनके पीछे साइट लगा देते हैं, दीज आर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, दीज आर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स. तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स तो कुछ समय ही रहेंगे ना, तो तुम कहोगे मैडम फिर ये कहाँ जाएंगे जब मैच्योर हो जाएगी कार्टिलेज. बेटा यही तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दीज आर एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट्स. अगर ये मैच्योर कार्टिलेज है तो ये कॉन्ड्रोसाइट है. एंड जहां आपको क्लास्ट वर्ड आ जाए, क्लास्ट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, ऐसे सेल्स जो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे. अब तुम कहोगे मैम इतने हिंसक क्यों कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो भैया? क्योंकि बेटा कार्टिलेज को प्रॉपर शेप भी तो देनी है ना. ऐसे तो नहीं ना कार्टिलेज अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ जाएगा. सो अब तुम्हारा नाक है, ऐसे यहाँ पे एक पकौड़ा बना दूं मैं, यहाँ पे कार्टिलेज है तुम्हारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज, उसका पकौड़ा बना दूं मैं यहाँ पे तो अच्छा थोड़ा भी लगेगा. तो इस कार्टिलेज को प्रॉपर शेप में रखना है. हालांकि मेरी तो कुछ खास शेप नहीं है लेकिन इसको शेप में रखना है. तो कॉन्ड्रोक्लास्ट इसको साइड साइड से खा खा के इसको प्रॉपर शेप दे देंगे. दिस इज सेम वर्क्स विद बोन्स. ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल्स. अंडरस्टूड? प्लीज इसको एक बार अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ेंगे. बोन पे फिर बाद में आएंगे. वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विच इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली. मैम अगर अभी से नीट तैयारी करूँ तो सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? ओमल बनेन, बेटा अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे ना तो 2022 का भी नहीं कंप्लीट होगा. मैं तुम्हें बताती हूँ, जो बच्चा ये सोचता है अभी से करूँ ना करूँ, उसका कभी नीट में सिलेक्शन नहीं होता. अभी से करने लगो तो क्या पता 2021 के लिए ही हो जाए, और अभी से करने लगो तो क्या पता 2022 के लिए हो पाए. लेकिन अभी से नहीं करने लगोगे तो ये पक्का है कि 2022 के लिए भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीट कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है. इट्स अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट. इट मे टेक वन ईयर, इट मे टेक सिक्स मंथ्स, इट मे टेक टू ईयर्स, बट यू नीड टू स्टार्ट नाउ. कार्टिलेज में भी कैल्शियम होता है क्या? नहीं आदर्श शर्मा बेटा, कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं होते, बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, कार्टिलेज के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फर्म बट प्लायबल मैट्रिक्स. इसका मीनिंग क्या है? ये नीट में शायद क्वेश्चन आया था, पता नहीं किसी टेस्ट में क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स में ये सेंटेंस आया था. कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो फर्म होती है, ऐसा नहीं कि वो पानी है ब्लड की तरह लिक्विड. ठीक है, एडिपोज की तरह सॉफ्ट नीड्स फर्म, लेकिन ऐसा नहीं कि मुड़ेगी नहीं. प्लायबल मतलब जो आप थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो उसकी शेप को, ये मीनिंग है. जैसे बोन की बिल्कुल भी प्लायबल नहीं है, नॉट प्लायबल एट ऑल. बोन को नहीं मोड़ सकते ना हम, इट इज हार्ड. डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. तीन प्रकार का कार्टिलेज है. हायलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. आगे कार्टिलेज प्लीज खुद लिख लो, मेरे बाजू दर्द हो रही है, मैं नहीं लिखूंगी ज्यादा. इतना ये बच्चा बिगड़ चुका है आजकल, नीट का बच्चा. मैम हैंड रिटन नोट्स दे दो, मैम नोट्स बना के दे दो, मैम हमारे लिए लर्न भी कर लो. मैडम आप ही पेपर दे दो ना, हम तो क्या ही करेंगे पेपर दे के, बस जब हमारा रैंक आ जाएगा तब हम फोटो खिंचाने आ जाएंगे. ये चाहती है आज की जनरेशन. ना हम क्लास लगाने आएंगे मैम, ना हम क्लास में क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ना हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे. एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे मैडम.
बस रैंक चाहिए मैडम, बस रैंक चाहिए, इस बार नीट फाड़ देंगे मैडम, नीट फोड़ देंगे। आओ देखो, हाय लीन, देखो इसके नाम में ही हाय है, हाय हाय। इट इज द वीकेस्ट कार्टिलेज। व्हाई इज इट द वीकेस्ट? ब्लूइश कलर की होती है ये। व्हाई इज इट द वीकेस्ट? क्योंकि बेटा इसमें ना फाइबर्स नहीं होते, फाइबर से तो स्ट्रेंथ आती है। एक्चुअली देखो अगर इसको बहुत ध्यान से एनालाइज किया जाए तो इसमें फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो इतने पतले होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते नहीं, तो हम इसे कहते हैं अपेरेंटली फाइबरलेस। क्या कहते हैं? अपेरेंटली फाइबरलेस। अब कोई फाइबरलेस कार्टिलेज है, इतना पतला फाइबर है तो दिख ही नहीं रहा है, है तो बहुत ही पतला है, पर अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि इट हैज नो फाइबर्स तो तुम करेक्ट टिक करोगे, ये नहीं कहोगे बहुत ध्यान से देखो ऐसे लिखा हो साइड में पता चले OMR के, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, इससे नंबर नहीं मिलेगा। नो फाइबर्स को मार्क कर देना है हमने, अपेरेंटली फाइबरलेस होता है, ठीक है। वाइट फाइबर्स, नाम में ही फाइबर है बेटा, इसमें कोलेजन फाइबर्स से भरी हुई है ये, कॉलेजन फाइबर्स, क्योंकि देखो व्हाइट कलर के होते हैं ना कॉलेजन फाइबर, कॉलेजन फाइबर से भरी हुई है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये भी फाइबर से भरी हुई है, कौन सी? येलो इलास्टिक फाइबर से भरी हुई है, तो येलो इलास्टिक फाइबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है। इतिहास गवा रहा है कि जो वीक है वो सबसे ज्यादा जगह पाया जाएगा, तो बॉडी में सबसे अबंडेंट भी यही होती है, जहां पे आप कार्टिलेज सोच सको आपको मिलेगी ये, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। और बोलो तुम्हें कहां कार्टिलेज पता है? एंड लॉन्ग बोन्स के एंड में कार्टिलेज लगी होती है, आपको पता है जॉइंट्स में कार्टिलेज होती है, ठीक है। आपका ट्रेकिया में जो सी शेप के जो रिंग्स बने हुए हैं, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। और बोलो कहां पे तुम्हें कार्टिलेज देखने को मिलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स के एंड में लगे होते हैं कोस्टल कार्टिलेज। और बोलो कुछ याद आ रहा है तो बताओ। व्हाइट फाइबरस सबसे स्ट्रांग है तो सबसे खतरनाक पोजीशन पे भी इसी को ही डाला जाएगा। आपकी वर्टिब्रल कॉलम आपकी पूरी बॉडी का भार झेलती है, दिस इज योर वर्टिब्रा, दिस इज योर वर्टिब्रा, क्यों जी झेलती है? आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी बॉडी का भार झेलती है, तो रीढ़ की हड्डियां आपस में ना टकराएं, यहां पे व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज के पैड लगे होते हैं, ये तो इनके ऊपर कितना प्रेशर आता होगा, सोचो ये हायलिन की बनी होती तो फट जाती। सो दे आर मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस कार्टिलेज, तभी बोलते हम डिस्क स्लिप बोलते ना, स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क यही होती है बेटा, ये डिस्क हिल जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और ये कहां पे मिलेगी? देखो ये बेसिकली सेंटर ऑफ द बॉडी में मिलती है, ये जो व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज सेंटर ऑफ द बॉडी, वर्टिब्रल कॉलम सेंटर ऑफ द बॉडी। देन आपका जो पेल्विक रीजन होता है ना, जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है अपना बोन्स के बारे में, अपना ना पेल्विस होता है ऐसे, जैसे मान लो यहीं पे लोअर, मान लो यहाँ पे हम लोअर वर्टिब्रे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऐसे पेल्विस होता है ऐसे, समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर हमारे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं लोअर बॉडी में। तो यहाँ पे ना पेल्विक दो बोन्स होती हैं, इनको कॉक्सल बोन्स बोलते हैं या इनोमिनेट बोन्स बोलते हैं। इनके बीच में जो कार्टिलेज होता है बेटा, यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, ये भी व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज है, इट इज ऑल्सो व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज आपको जहां जहां मिलेगा, मैं आपको दो चार जगह मिलेगा, कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। एक तो टिप्स पे मिलेगा, ये ईयर का टिप जो ये ईयर पिन्ना है, नोज का टिप, ठीक है, यहाँ से मिडल ईयर से एक ट्यूब जाती है यूस्टाशियन ट्यूब वहाँ पे, और फिर अंदर यहाँ पे हमारे ना लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, उसका ढक्कन एपिग्लॉटिस, वो सब येलो कलर के होते हैं। अच्छा खुद लैरिंग्स जो होता है वो हायलिन कार्टिलेज है, वॉइस बॉक्स हायलिन कार्टिलेज है, लेकिन उसका ढक्कन इलास्टिक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस।
तो हमेशा मैं इमेजिन करती हूँ लिरिक्स को एक ब्लू बॉक्स विद अ येलो ढक्कन. पिन्ना, ईयर पिन्ना, पिन्ना ऑफ ईयर, और कौन सा बताया था मैंने, टिप ऑफ नोज. देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, किसी की टिप पकड़ के खींच दो वो बताएगा तुम्हें कितनी फ्लेक्सिबल है. इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज, यूस्टाशियन ट्यूब, बस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज खत्म. नोट करेंगे इसे. अच्छा तू तो तेज है मीना. आलोक बेटा, ये करने के लिए आए हो क्लास में, मीना से बातें करने आए हो? हाय मैम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड शांतनु. प्लीज स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी, नहीं तो मैं छत से कूद कर जान दे दूंगी. ऐसा? मैम मैं एलन नागपुर से हूँ, लेकिन बायोलॉजी आपसे पढ़ता हूँ. देखना बेटा, एलन वाले पकड़ के ले जाएं, मुझे पता चले कि हमारे बच्चे तो आपसे पढ़ते हैं, आपको पहले. मैम हेवर्शन केनाल क्या होती है? बेटा एक बार बोन पे आ जाने दो. कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होती है? मैं बताती हूँ कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होती है, मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात. आपको पता है क्या, जब बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, एक छोटा सा फीटस, तो उसके पास बोन्स नहीं होती शुरू में, ऑफ कोर्स बाद में तो बन जाती है. तो उसका जो स्केलेटन होता है वो हायलिन कार्टिलेज का बना होता है. योर स्केलेटन व्हेन यू आर जस्ट लाइक अ लिटिल टाइनी थिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ हायलिन कार्टिलेज, एंड स्लोली दैट कार्टिलेज इज कन्वर्टेड इंटू बोन. इस कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन होती है धीरे धीरे, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स ऐड होते जाते हैं और ये धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, डन. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बोन. इफ आई टॉक अबाउट अ बोन्स नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो टॉम एंड जेरी वाला कुत्ते वाली बोन होती है, दिस इज अ बोन. It is empty from within. ये डायग्राम आज अपने दिलो जहन में बिठा लो क्योंकि बहुत काम आएगा. इस पार्ट को, ये जो लंबे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड डायफाइसिस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिफाइसिस, जो ये मोटे वाला पार्ट है. Similarly, this is also epiphysis. दो epiphysis, एक diaphysis. जो diaphysis के बीच में छेद है इतना लंबा, इसे medullary cavity कहते हैं. Medullary cavity कहते हैं. ठीक है, यहां पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग बोन, ऐसे बिल्कुल टाइटली पैक्ड बोन है. यहाँ पे पूरी बोन है, बोन कैल्शियम सॉल्ट्स भरे हुए हैं. कैल्शियम 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 कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट. दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. अब तुम कहोगे मैम नॉन कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? नॉन कॉम्पैक्ट नहीं होती, देयर इज अनदर वे. यहाँ पे एपिफाइसिस में बोन्स के टुकड़े पड़े होते हैं इस तरीके से, और उनके बीच में छेद होते हैं. देखो ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही एग्जेजरेशन दिखा रही हूँ, इतने बड़े बड़े छेद थोड़े भी होते हैं और ऐसा नहीं होता. बट इमेजिन अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज में जैसे छेद होते हैं ना, स्पॉन्ज को इमेजिन करो. अरे बस की सीटें फाड़ी हैं तुमने कभी छोटे होते हैं? मैंने तो बहुत फाड़ी हैं. ऐसे बस की सीट में एक छेद होता था, मैं ऐसे उंगली घुसा घुसा के पूरी सीट फाड़ने की कोशिश करती, उसमें से स्पॉन्ज नहीं निकलता, आर्टिफिशियल स्पॉन्ज. एक तो तुम्हारा एनिमल किंगडम वाला स्पॉन्ज है, आर्टिफिशियल स्पॉन्ज भी तो होते हैं, उनमें छेद देखे हैं तो कुछ वैसा, ऐसा ऐसे पीस ऑफ बोन होते हैं, उनमें छेद होते हैं. ये देख लो बेटा, लोकोमोशन में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सही बता रही हूँ, एक बार देख लो. सिमिलरली इधर तो इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं बेटा. दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन बिकॉज इट हैज होल्स.
इनसाइड इट. एंड ये जो बोन के पीसेज हैं इनको ट्रेबिक्यूले बोलते हैं. ट्रेबिक्यूला प्लूरल, ट्रेबिक्यूला सिंगुलर, ट्रेबिक्यूले प्लूरल. नाउ दीज छेद्स दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस. दे द छेद्स कंटेन रेड बोन मैरो. ये जो ट्रेबिकुला के बीच में जो छेद हैं, जो स्पॉन्जी बोन के बीच में छेद हैं, इसमें रेड बोन मैरो पड़ा हुआ है. जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम पैदा ही हुए थे, तो हमारी मेडुलरी कैविटी में भी रेड बोन मैरो ही भरा हुआ था. बहुत रेड बोन मैरो था, बहुत रेड बोन, क्योंकि उस टाइम ब्लड प्रोडक्शन बहुत फास्ट होती थी. आपकी बॉडी लगातार बढ़ रही है. आज आप 5 किलो के हो, 2 महीने बाद आप 10 किलो के हो जाओगे, तो आपको ब्लड भी आपका बढ़ेगा, तो ब्लड की प्रोडक्शन बहुत फास्ट थी. परंतु समय के चक्र ने आपको घेर लिया और आपको इतने बोन मैरो की जरूरत नहीं रही, तो यहाँ पे येलो कलर का बोन मैरो भर गया, जिसे हम येलो बोन मैरो कहते हैं. मेरे पास येलो कलर नहीं है तो मैं ग्रीन में ही दिखाऊंगी. येलो बोन मैरो कहते हैं, ठीक है जी. येलो बोन मैरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता. रेड बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है, बच्चों को यही नहीं पता है, तो येलो बोन मैरो की तो बात ही छोड़ो. रेड बोन मैरो आपके ब्लड के सभी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो. आपको लगता है कि रेड बोन मैरो है तो सिर्फ रेड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हियर. एक और तुम्हें फन फैक्ट बताती हूँ. ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू दैट डज नॉट सिक्रीट इट्स ओन मैट्रिक्स. कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट ने अपना मैट्रिक्स खुद सेक्रेट किया. बोन ने, अभी तुम देखोगे बोन में ऑस्टियोसाइट जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो अपना मैट्रिक्स खुद सेक्रेट करेंगे. बोन का ब्लड का मैट्रिक्स प्लाज्मा, बोन सेल ये ब्लड सेल्स नहीं सेक्रेट करते. प्लाज्मा ब्लड से जो आप पानी पीते हो उससे एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा बनता है. इट इज नॉट सेक्रेटेड बाय आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. सो ब्लड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ येलो बोन मैरो? इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू होता है, बट इट इज यूजफुल इफ समबडी मीट्स विद एन एक्सीडेंट. देन एकदम से उसके ब्लड में, बॉडी में ब्लड मान लो बह गया और उसमें ब्लड की कमी हो गई, इट इमीजिएटली यू नो कैन टर्न बैक टू रेड बोन मैरो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर ब्लड सेल्स. सो इट इज रिजर्वॉयर erythropoietic tissue. It is reservoir erythropoietic tissue. You understand, please, the basics of a bone. I'll tell you one more interesting fact, because today I'm in the mood of telling you interesting facts. There is a cartilaginous piece, hyaline cartilage का एक piece आपको यहाँ नजर आता है just epiphysis के end में. लेकिन ये उन बच्चों में नजर आएगा जो अभी बढ़ते बच्चे हैं, बढ़ते तंदुरुस्त बच्चे, मतलब आपकी height बढ़नी अभी रुकी नहीं है, उनमें नजर आएगा. It is called epiphyseal plate. Epiphyseal plate. इसका काम क्या होता है? इस पे ग्रोथ हार्मोन आके एक्ट करता है बेटा. ग्रोथ हार्मोन बोन्स को लंबा करने के काम आता है. तो जब इस पे ग्रोथ हार्मोन आके एक्ट करता है तो ये कार्टिलेज का पीस मोटा हो जाता है, ऐसे थिक हो जाता है. और जब ये कार्टिलेज का पीस ऐसे थिक हो जाता है तो इसका नीचे वाला पोर्शन कैल्सीफाई हो जाता है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है. क्या बोला मैंने? ये कार्टिलेज का पीस ऐसे थिक हो जाता है ग्रोथ, दोनों साइड से ऑफ कोर्स, एक साइड से नहीं, ग्रोथ हार्मोन के अंडर, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इट बिकम्स कैल्सिफाइड. तो न्यू बोन, बोन इज फॉर्म्ड, यू अंडरस्टैंड. नई बोन जो है वो बन जाती है इससे. ये चलता रहता है प्रोसेस जब तक आपकी वो एज ना आ जाए जब आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है.
जब आपकी वो एज आ जाए कि आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, तो ये एपिफाइजल प्लेट्स ख़त्म हो जाती हैं एंड यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन नज़र आती है जहाँ पे कभी प्लेट हुआ करती थी. दिस लाइन इज़ कॉल्ड एपिफाइजल लाइन. अब कितना भी ग्रोथ हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए, जब कार्टिलेज ही ख़त्म हो गया तो बोन ग्रो नहीं कर सकती. अंडरस्टैंड? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट दिस ब्यूटिफुल डायग्राम बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन लॉट ऑफ चैप्टर्स. मैम प्लीज टाइम क्या है बेटा? 9:41 हुए हैं, पर तुम ऑब्वियसली फोन में क्लास लगा रहे हो. ओके मुझे पता है तुम क्लास का टाइम पूछ रहे हो. बेटा सुबह 9 बजे, 9 AM वी स्टार्ट अवर क्लास. बोन लंबा हो रहा? हाँ बिजया, बोन लंबा हो रहा बेटा. मैम थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशंस. मैंने 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की है. श्रद्धा बेटा ये इतनी डिटेल्ड वीडियोस है ना, दीज आर सो डिटेल्ड कि इसको 2022 वाला बच्चा भी देख सकता है, 2023 वाला बच्चा भी देख सकता है, 2021 वाला बच्चा भी देख सकता है. बल्कि 2021 वाले बच्चे को तो कभी कभी ये लगेगा कि यार मैडम ज़्यादा स्लो हो रहा है. सो इट इज़ फॉर एवरीबडी. कहने को क्रैश कोर्स है ये, बट इट्स अ डिटेल्ड कोर्स. सो आप और आपके साथी जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसके लुत्फ उठा सकते हैं. दिव्यांशी बीस्ट थैंक यू. मैम इतना सारा डेटा नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे डेटा? बस नीट क्लियर करेंगे मैम. ना हम डेटा पढ़ेंगे, ना हम फैक्ट्स लर्न करेंगे, ना हम डेट लर्न करेंगे, ना हम साइंटिस्ट लर्न करेंगे. हम सिर्फ नीट के टॉपर बनेंगे. क्यों? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन. व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, बोन इज अ लिविंग टिश्यू और अ नॉन लिविंग टिश्यू? व्हाट डू यू थिंक? आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए. व्हाट डू यू थिंक, बोन इज अ लिविंग टिश्यू और इट्स अ नॉन लिविंग टिश्यू? मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का. हम सोएंगे है ना, और बस उठते ही टॉपर बन जाएंगे अपने आप से. लिविंग ऑब्वियसली इट्स अ लिविंग टिश्यू, इट्स नॉट डेड. सो दैट मीन्स अगर कोई लिविंग टिश्यू है तो उसके सेल्स को ब्लड भी चाहिए. बिना ब्लड के तो उसके सेल्स नहीं सर्वाइव करेंगे. सो लेट्स सी हाउ ब्लड गोज इन टू दिस खतरनाक टिश्यू. देखो कितने टाइटली पैक्ड है यार ये टिश्यू. कहाँ इसके सेल्स हैं, कहाँ ब्लड वेसल्स हैं? सो वट शुड वी डू? हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पीस काट लेते हैं. इसे पीस काट के हम यहाँ से अंदर देखते हैं. ठीक है, लेट्स सी. सो जब मैंने पीस काटा तो वट आई सी इज ये बोन है और ये अंदर. अब मैं मेडुलरी कैविटी को थोड़ा छोटा बना रही हूँ, हालांकि मेडुलरी कैविटी इतनी छोटी नहीं होती, बट आई नीड टू शो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर ना. यू अंडरस्टैंड, दिस इज द बोन, दिस इज मेडुलरी कैविटी. बस ना मेरी एक ही दिक्कत है कि मैं लंबी क्लासेस नहीं ले पाती. तुम पता है जो मैं प्रॉमिस करती हूँ उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और जो अगर प्रॉमिस मेरी पूरी नहीं हो पाती ना, वो इसलिए नहीं हो पाती कि मैं लंबी क्लासेस नहीं ले पाती. जैसे कल मैंने 4 घंटे पढ़ाया टोटल में, 4-5 घंटे पढ़ाया, तो मेरी इतनी बैंड बज गई मुझे रात को नींद ना आए. मैं आँख बंद करूँ और मेरे सामने क्वेश्चन घूम रहे. कल अपन ने वो नहीं कर लिया था 180 वाला क्लास? आँख बंद कर रही हूँ और आँखों के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी चल रही है, नींद नहीं आ रही है. मैं कहा भाई रितु रतेवल तुम थोड़ा अपना दिमाग मेडिटेशन से पहले स्टेबल करो. फिर मैंने थोड़ी मेडिटेशन करी, फिर मैं सो पाई. तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा सेशंस नहीं ले पाती हूँ. और पर मैं एक काम कर सकती हूँ ना, मैं वन शॉट वीडियोस बना सकती हूँ बहुत सारे चैप्टर्स की. आओ देखते हैं. हियर देर आर पतली पतली ट्यूब्स होती है यहाँ पे, पतली पतली ट्यूब्स ऐसे, समझ लो इस तरीके से 3D में इमेजिन करो. बोन के पैरेलल जा रही है, जो ऐसे बोन के पैरेलल जा रही है. देर आर थिन थिन ट्यूब्स लाइक दिस. दीज ट्यूब्स ब्लड वेसल्स को निकलने का रास्ता देती हैं. यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं इन ट्यूब्स के अंदर इस तरीके से.
ठीक है. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड हेवर्जिन कैनाल्स. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड हेवर्जिन कैनाल्स. हेवर्जिन कैनाल्स के अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे. तो आपके जो सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स हैं, वो यहीं पे सजे होने चाहिए इसके आसपास, है ना, ताकि इससे न्यूट्रिशन ले सकें. तो बेटा यहाँ पे लैक्यूना होते हैं सेल्स के लिए. देर आर लैक्यूना ऐसे, और ये लैक्यूना बड़े सुंदर होते हैं, ऐसे स्टार शेप के लैक्यूना होते हैं, क्योंकि आपका बोन सेल जो होता है, ऑस्टियोसाइट होता है, वो भी स्टार शेप होता है. इट्स लाइक दिस. कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस? दीज आर द लैक्यूना. बोन का सेल भी लैक्यूना में पड़ा होता है कार्टिलेज की तरह, और उसके अंदर तुम्हें ऑस्टियोसाइट पड़े हुए नजर आएंगे इस तरीके से, जो ऐसे ब्रांच्ड से होते हैं. इसके अंदर तुम्हें ऑस्टियोसाइट, लेकिन एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट नजर आएगा, जैसे कार्टिलेज में तो कई सारे थे ना. लाइक दिस, इसके अंदर आपको ऑस्टियोसाइट नजर आएगा. ठीक है, ये एक लाइन में आपको नजर आएंगे. सी देयर इज अ लाइन, देयर इज अ सर्कल जिसमें ये नजर आ रहे हैं. अब ये क्या करेंगे, इस सर्कल के अराउंड ये अपनी मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे. यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे, अंदर की साइड मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे और बाहर की साइड मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे. ये मैट्रिक्स जो है ये कैल्शियम सॉल्ट्स की बनी हुई है. देखो ऐसा नहीं है कि इसमें फाइबर्स नहीं है, मैट्रिक्स में फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स में डब्ल्यू, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, बट मेनली इट इज कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? सम कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट. देन वन मोर लेयर ऑफ सेल्स विल बी देयर. अब मैं थोड़ी छोटी ऐसे करके बना रही हूं, देखो समथिंग लाइक दिस. यहां पे लैक्यूना होंगे इस तरीके से. वन मोर लेयर विल बी देयर, द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स हियर विल बी देयर, समझ रहे हो. देन द थर्ड लेयर विल बी देयर. इस पूरे सिस्टम को, दीज लेयर्स ऑफ सेल्स एंड मैट्रिक्स एंड हेवर्जिन कैनाल इज कॉल्ड हेवर्जिन सिस्टम. इट्स कॉल्ड हेवर्जिन सिस्टम. अंडरस्टूड? हेवर्जिन सिस्टम आपको एनसीईआरटी में कैसा बना के दिखाया हुआ है, प्लीज एक बार इसको देख लेंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ हेवर्जिन सिस्टम्स, आप समझ रहे हो. यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे लेयर्स होंगी, ऐसे लेयर्स होंगी, इनके ऊपर समझ लो ना लैक्यूना ऐसे पड़े होंगे. देर आर लैक्यूनाज हियर, ऐसे देर आर लैक्यूनाज हियर, ऐसे समथिंग लाइक दिस. सो देर आर लॉट ऑफ हेवर्जिन सिस्टम्स इन अ कॉम्पैक्ट बोन. स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज. वोल्कमैन कैनाल क्यों चाहिए तुम्हें श्रद्धा चक्रवर्ती? वोल्कमैन कैनाल बेटा दो हेवर्जिन कैनाल्स को कनेक्ट करती है डायगनली जाके. फॉर्मूला गलत है दीदी? क्यों फॉर्मूला क्यों गलत है? अर्श व्लॉग्स, तुम्हारी केमिस्ट्री भी गंदी है. मतलब थैंक यू विभा कुशवाहा. सेकेंड लेयर है कैसे बेटा? कुछ नहीं है ना, सेल्स की लेयर है ना. एक लेयर आ गई सेल्स की, फिर दूसरी लेयर आ गई सेल्स की, फिर तीसरी लेयर आ गई सेल्स की. अब तुमको कहो मैडम न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? बेटा पहुंच जाता है. अपने को इतना नहीं सोचना है कि मैडम कैल्शियम फॉस्फेट के जंगल में से न्यूट्रिशन कैसे जा रहा है. चिंता मत करो कैसे जा रहा है, ठीक है. बस सोचो यहाँ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं अपने को. अंडरस्टूड? अगर यही चीज एनसीईआरटी आपको दिखाए तो आपको वो कैसे दिखाएगी? देखो ये कार्टिलेज वाला था, ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं. कॉलेजन फाइबर्स थे, देखो अगर ये कॉलेजन फाइबर्स हैं तो मतलब ये हायलिन कार्टिलेज तो है नहीं, ठीक है. ये मोस्टली व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज है. देखो कार्टिलेज दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है. कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट जो लैक्यूना में पड़े हुए हैं, तो तुमको ये पहचानने के लिए आ सकता है डायग्राम कौन सा है. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो दैट इट्स अ कार्टिलेज
एंड यू कैन मार्क, अगर आपको मार्क करने के लिए आ गया सेल कौन सा, आपको पता चल होना चाहिए कॉन्ट्रोसाइट है. सिमिलरली बोन, सी हेवर्जन सिस्टम दिखाया हुआ है यहाँ से, यहाँ यू कैन सी अ ब्यूटिफुल हेवर्जन सिस्टम एंड देर आर लॉट ऑफ हेवर्जन सिस्टम्स हियर. एक हेवर्जन सिस्टम ये रहा है उसकी हेवर्जन केनाल ये रही, एक हेवर्जन सिस्टम यहाँ पे उसकी हेवर्जन केनाल यहाँ होगी, एक की यहाँ होगी, एक की समवेयर यहाँ होगी, एक की समवेयर यहाँ होगी. सो आपको ये डायग्राम आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये बीच में क्या है हेवर्जन केनाल, ये साइड में क्या है, ये क्या, ये तारे तारे से क्या, तारे जमी पर, ये लैक्यूना है जिनमें सेल्स पड़े हुए हैं. डू यू अंडरस्टैंड? रीडिंग कर लें इसकी. द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल, इस पे क्वेश्चन था एक बार, एंड रिजिस्ट्स कंप्रेशन, दबती नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मैनिपुलेट हो जाती है. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, दीज कैविटीज आर कॉल्ड लैक्यूना. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स, यही बात बताई थी. एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज होती है वो बोन बन जाती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है वो. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ अवर नोज, बताओ टिप ऑफ अवर नोज, याद रखो तुम्हारी नोज की टिप येल्लो है, तुम्हारे ईयर की टिप भी येल्लो है. आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज. लिम्स हाइलिन कार्टिलेज, हैंड्स हाइलिन कार्टिलेज. Bones have a hard and non-pliable ground substance, rich in calcium salts and collagen fibers. तो बेटा collagen fibers को ignore मत करना, bone के matrix में collagen fiber होते हैं, which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural framework to the body. Bones support and protect softer tissue. भैया आप इसका skeletal system का आगे function पढ़ेंगे, भैया protect करता है body को, internal organs को. The bone cells, osteocytes, are present in spaces called lacunae. Similarly, cartilage ke bhi. Limb bones, such as the long bones of legs, serve weight-bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अबाउट विच वी विल स्टडी इन सर्कुलेशन वाला चैप्टर, कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18. ये डायग्राम आपको बाद में समझाया जाएगा. मैम पहले तो आप फास्ट पढ़ाती थी, अब आपको क्या हो गया? पता नहीं बेटा क्या हो गया. Can I study from you in my drop year from Unacademy Plus? बेटा आप किसी भी ईयर में Unacademy Plus पे मुझसे पढ़ सकते हैं, चाहे आप 9th के बच्चे हों, चाहे आप 10th के बच्चे हों, चाहे आप प्लस वन के हों, चाहे आप प्लस टू के हों, चाहे आप ड्रॉप ईयर के हों. मैं जनरली एक ही स्पीड में पढ़ाती हूँ सभी को, ताकि सबको समझ में आए. अर्थवॉर्म से क्वेश्चंस नहीं आते बेटा. मसल टिश्यू, देखो मस्कुलर टिश्यू लेट्स टॉक अबाउट मसल टिश्यू. लेट मी हैव सम वाटर, ठीक है मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ. गिव मी वन मिनट देन विल स्टार्ट.
आओ पढ़ें। ऐ सुनो ना, मसल टिश्यू की एक स्पेशल क्लास बना दूंगी, मसल की प्लस न्यूरॉन की एक स्पेशल क्लास बना दूंगी। इतना ही पढ़ा सकती हूँ भैया, एक टाइम में इतना ही पढ़ा पाऊंगी। कब बनाऊंगी, व्हेन, आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बहुत जल्दी बना दूंगी इसकी, ठीक है, स्पेशल क्लास।